हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी और ब्रेड तो गई और साथ में चाय बन रही है। और अभी 10:30 बज रही है, तो बस अभी नाश्ता बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज सुबह सुबह कोई जल्दी थी नहीं नाश्ता बनाने की। आज छुट्टी है तन्नू की भी, आज उसका एग्ज़ाम नहीं है, एक दो दिन की छुट्टी है बीच में, तो बस अभी सब उठे हैं थोड़ी देर पहले ही और अब नाश्ता दे रही हूँ सबको। नाश्ता करने के बाद अभी रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे। मैंने तन्नू को बोला कि जो जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम हो गए हैं वो बुक्स अंदर रख दो, क्योंकि ढेर लगा हुआ है टेबल पर। और मुझे आज ना दोनों रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो एक रूम की तो मैंने करी है और तन्नू अपने रूम की बेडशीट खुद ही चेंज करती है। और मेरा काम अभी कुछ नहीं करना, जो और ये ना कल रात को ही आम की पेटी लेके आए थे, तो बस अभी आमरस बनाऊंगी लंच में। तो उससे पहले मैं आधा एक घंटा ना पानी में डीप करके रखती हूँ मैंगो को, क्योंकि इनकी तासीर ना बहुत गर्म होती है। और अभी टाइम हो रहा है 12:15 और अब करूँगी मैं लंच की तैयारी। तो आज लंच में मैं बनाऊंगी आमरस पूड़ी और आलू की सब्जी। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैंगो तो कब से आ रहे हैं पर मैंने अभी तक आमरस पूड़ी नहीं बनाई। जैसे मैंगो शेक बना लेती हूँ, आमरस बना लेती हूँ खाने के साथ, पर आमरस पूड़ी इस सीज़न में पहली बार बनाऊंगी मैं। तो बस आलू को तो बॉईल कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए 6 से 7 आलू लिया है और आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आलू की बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो सब्ज़ी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर, 1 प्याज, 2 ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक और कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो मैं सब्ज़ी बनाने में यूज़ करूँगी। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच जीरा डालूंगी, 1/2 चम्मच मैं इसमें राई ऐड करूंगी और 1/2 चम्मच से कम मैं इसमें सौंफ ऐड करूंगी। तो सौंफ को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सौंफ डालते ही हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। और खड़े मसाले डालते ही जो प्याज था उसको मैंने पीस के इसमें ऐड कर दिया है। अब 1 से 2 मिनट तक इन सब चीज़ों को अच्छे से चलाएँगे। उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच से भी कम मैं हींग ऐड करूँगी। हींग डालने के बाद इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पिसा हुआ। इसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे। उसके बाद जो 2 टमाटर लिए थे उसको पीस के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद 1 से 2 मिनट तक इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। और अब इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 2 चम्मच यहाँ पर मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच किचन किंग मसाला। अगर किचन किंग मसाला नहीं है तो आप कोई भी घर का बना हुआ गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो फ्लेवर आएगा ना सब्ज़ी में, वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने भून लिया है और ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। दही डाला है तो दही डाल सकते हैं आप, दही की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन दही से जो ग्रेवी बनती है ना वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैं दही ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक और पकाऊँगी। और अब यहाँ पर ये जो आलू है इनको पीसेस में कट नहीं करना है, जस्ट ऐसे हाथों से ही आपको इसको तोड़ना है। और ज़्यादा मतलब छोटे पीस नहीं करना है, बड़ा बड़ा तोड़ के ही आपको इस ग्रेवी में ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दही की, और हमने जो कसूरी मेथी डाली है ना उससे तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा है, खुशबू आ रही है। और एक और बात है सीक्रेट की, जब हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं ना इस तरीके की, तो उसमें एकदम से ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। इसलिए इस सब्ज़ी में मैं गुनगुना पानी करके ऐड कर रही हूँ। गुनगुने पानी से क्या है कि जितनी हमने जो ग्रेवी बनाने में मेहनत करी है वो मेहनत हमारी सफल हो जाए। एकदम ठंडा पानी डालेंगे ना तो बिल्कुल ही सब्ज़ी का स्वाद ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा इस तरह की कोई भी आप अच्छी सी सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें हमेशा गुनगुना पानी करके ही आप ऐड करें। और हमारी सब्ज़ी भी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। जैसे हम शादी ब्याह में खाते हैं ना पूरी के साथ आलू की सब्ज़ी, सेम वैसी ही सब्ज़ी बनी है।
और अब इसको मैं कढ़ाई में निकाल लूँगी अलग से। और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी लग रही थी। अब बस हरे धनिए से थोड़ा सा ऊपर से मैं इसको गार्निश कर लूँगी। तो सब्ज़ी तो मैंने बना ली है, बस अब आमरस की तैयारी करूँगी। तो आमरस भी मैंने बना लिया है यहाँ पर, और बस अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाएगा। और आटा भी मैंने पूरी का लगा लिया था, तो बस अब मुझे पूरियाँ ही बेलनी है। और ऑयल भी गर्म हो गया है, अब मैं पूरियों को भी फ्राई कर लूँगी। और जब मैं शाम के टाइम पर ना वॉइस ओवर करती हूँ, तब ना मैं अपने रूम का गेट और बालकनी का गेट दोनों बंद करके ही वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन अभी क्या है, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है ना, तो सब बच्चे इस टाइम पर गार्डन में खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है अभी पीछे से। और लंच भी रेडी है, आमरस पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो यही था आज का हमारा लंच, और बस अभी रिशु के पापा लंच कर रहे हैं। और सब्ज़ी की भी तारीफ़ कर रहे थे कि सब्ज़ी अच्छी बनी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हमारी मेहनत भी सफल हो गई है। और अभी यहाँ पर मैं और तनु भी लंच कर रहे हैं। और लंच करने से पहले मैंने ना मशीन भी लगा दी थी, सारी बेडशीट वगैरह भी धुल गई है। बस अब इनको भी मैं सुखा दूँगी बालकनियों में। और अभी तो धूप भी इतनी तेज़ है कि मतलब 10-15 मिनट में तो आपकी बेडशीट भी सूख जाती है, बहुत तीखी धूप है अभी तो। और बेडशीट वगैरह सुखाने के बाद फिर मैंने भी 1-1.5 घंटे का रेस्ट लिया था, मतलब लेटी हुई थी, नींद तो मुझे आती नहीं है दिन में। फिर 4:30-5 बजे इन लोगों को मैंने वाटरमेलन कट करके दिया। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6, और बस फिर मैंने चाय बनाई और अभी चाय पी रहे हैं हम लोग, और बच्चे तो चाय लेते नहीं हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:45, और आज मैं भी रिलैक्स होके बैठी हूँ क्योंकि मुझे भी डिनर वगैरह कुछ बनाना नहीं है। आज इन सब का मन था नॉनवेज खाने का, तो इन लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया है। और बस अभी आईपीएल देख रहे हैं रिशु और उसके पापा, आईपीएल चल रहा है अभी तो। और बस इस वीडियो को भी मैं यही एंड करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।